नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खंडेकर एमएनएस न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं हेडलाइंस। मोदी केयर योजना का निजी डॉक्टर्स ने किया विरोध। आखिर यवतमाल की बाघिन अवनी मारी गई। राज्य सरकार के कारनामों के 200 पोस्टर्स लगाएंगे, संजय निरुपम ने कहा। अब खबरें विस्तार से। मोदी केयर योजना का निजी डॉक्टर्स ने विरोध किया है। आयुष्मान भारत योजना मोदी केयर योजना के नाम से भी जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है और इसी योजना का देश भर के निजी डॉक्टर्स ने विरोध किया है। इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को आरोग्य सेवा देने का मानस है, मगर इस योजनाओं का देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स के निजी संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने विरोध दर्शाया है। अब इस योजना को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सहकार्य मिलेगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। निजी डॉक्टर्स के सहकार्य के बगैर यह योजना देश में सफल नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने गाजे बाजे के साथ आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ जनता को सुरक्षा देने का मोदी सरकार का मानस है, मगर प्रधानमंत्री मोदी इनकी इस महत्वाकांक्षी योजना में सहभागी होने में देश के डॉक्टर्स ने मना कर दिया। इस संगठन का कहना है कि देश में सिर्फ 20% शासकीय सेवा तो 80% निजी आरोग्य सेवा दी जाती है। निजी अस्पतालों का इस योजना को विरोध नहीं, मगर जो शुल्क इस योजना के तहत निश्चित किए हैं उस शुल्क में निजी डॉक्टर्स या प्राइवेट अस्पतालों को सेवा देना नामुमकिन है। इसीलिए निर्धारित किए गए शुल्कों में मोदी सरकार ने बढ़ोतरी करनी चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र IMA के अध्यक्ष डॉक्टर YS देशपांडे इन्होंने की है। उदाहरण के तौर पर सीजर इस सर्जरी का शुल्क इस योजना में सिर्फ 9,000 रुपए रखा गया है और इतने कम शुल्क में सीजर जैसी सर्जरी करना निजी अस्पतालों के लिए असंभव है। जब तक मोदी केयर योजना अंतर्गत शुल्क में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स इस योजना में सहभागी नहीं होंगे। यह योजना देश के लिए बहुत ही अच्छी और उतनी ही जरूरी है, ऐसा IMA का मानना है। IMA का इसे पूरा सहयोग रहेगा, मगर शुल्क में बढ़ोतरी होना जरूरी है, ऐसा डॉक्टर देशपांडे इनका कहना है। 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को तो शहर के 2.33 करोड़ परिवारों को लाभ देने का केंद्र सरकार का मानस है, मगर केंद्र सरकार के इस योजना को निजी डॉक्टर्स का असहयोग मिला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यवतमाल की बाघिन अवनी मारी गई, अमूमन 14 लोगों का किया था शिकार। यवतमाल जिले के पंढरकवड़ा के वन क्षेत्र में बाघिन अवनी, जिसे T1 के नाम से पहचाना जाता था, को शुक्रवार देर रात मार दिया गया। अनुमान है कि 2 सालों में उसने 14 लोगों को शिकार बनाया था। उसे मारने के लिए 200 लोगों की टीम लगाई थी। दूसरी तरफ उसे बचाने के लिए प्रयत्न और सेव टाइगर इन NGO ने लेट अवनी लीव अभियान चलाया था। उन्होंने अवनी को न मारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गुहार लगाई। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वन्यजीव प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे की भोपाल स्थित NGO प्रयत्न और सेव टाइगर कैंपन के सिमरन सिंधु ने बाघिन को शूट करने के वन विभाग के आदेश को पहले मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में इस दया याचिका को खारिज किया। हाईकोर्ट के आदेश को कायम रखा। यह बाघिन नरभक्षी होने की पुष्टि हुई थी। DNA जांच, कैमरा ट्रैप्स और पंजों के निशानों के चलते जांचकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 5 साल की यह मादा बाघ अब आदमखोर हो गई है और मानव मांस के लिए शिकार कर रही है। अवनी को आकर्षित करने के लिए एक खास कंपनी का मेल परफ्यूम इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि वह गंध से सर्च टीम के करीब आए। बाघिन को पकड़ने के लिए 100 कैमरे लगाए गए थे। गोल्फर ज्योति रंधावा के शिकारी कुत्तों और पैराग्लाइड्स को भी अवनी को ढूंढने के काम में लगाया गया था। अवनी को मारने के लिए वन विभाग ने हैदराबाद से शार्प शूटर नवाब शौकत को भी बुलाया था। उनके पास 500 जंगली जानवरों का शिकार करने का अनुभव है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राज्य सरकार के दोस्तों कारनामों के पोस्टर्स लगाएंगे, संजय निरुपम ने कहा। पिछले 4 सालों से राज्य की फडणवीस सरकार के निर्णय, उनका अवलंबन और राज्य की जनता को अच्छे दिन का मिला हुआ वादा, इनके 200 पोस्टर्स मुंबई कांग्रेस की तरफ से लगाए जाएंगे, ऐसा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए मेक इन इंडिया और मैग्नेटिक महाराष्ट्र जैसे कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की तरफ से किया गया। मात्र इन दोनों कार्यक्रमों में की गई घोषणा और आश्वासनों का कोई भी फायदा युवाओं को नहीं हुआ, उल्टा सिडको भूखंड में 1700 करोड़ रुपए का घोटाला, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की बढ़ती हुई घटनाएं, 16,000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई, ऐसा इल्जाम संजय निरुपम ने लगाया है। राज्य सरकार की यही नाकामी 200 पोस्टर्स के माध्यम से दिखाई जाएगी, ऐसा संजय निरुपम ने कहा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।